मेरे द्वारा फोन भी आया के कुछ बात हुई थी ताई। कमेटी आड़ा ने बोला तेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया। किसका सर? मेरा तो एक को लड़का लड़की थी ना मेरी बन्नो ने के दे बड़ो दियू मुझे जमा करा दियो। अच्छा। फिर मेरे नंद डैंड में रहा है उसके पैसे जमा करा दिए 45,000 जमा करा कुछ भी मारा फिर भी नहीं कुछ पल्ला पड़या जी राजिंदर ने बचा लिया। राम राम जी सारे ने मैं उथारी गला प्रीति को तो और आज शिमला गांव में पहुंच रहे हैं। कावड़ी थे जो कावड़ लेने जा रहे थे शिमला गांव के दो लड़के थे और कावड़ लेकर आने लाग रहे थे उनकी लेकिन उनकी एक्सीडेंट हो गया उनका कुरुक्षेत्र का पास में और उन दोनों की मौत हो गई। कावड़िए तो कहीं जा रहे थे उनके लेकिन उनकी मौत हो गई शिमला गांव के जो लड़के हैं और जिसके द्वारा एक्सीडेंट होया है वो गाड़ी वाला बता चरखी दादरी का फोगाट गांव का बताया गया है और बताया जा रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी जिसके कारण उसने बाइक वाले जो मतलब ये कावड़िए थे उनका एक्सीडेंट कर दिया है और परिवार वाले तो बात करेंगे किस तरह की यह बात हुई। तो चलो एक बार और ये देखो ये मकान है इनका मतलब बिल्कुल गरीब परिवार तय है और देखो मकान की हालत देख कर आप अंदाज़ा लगा सको हो कि कैसी स्थिति थी इनकी। तो चलो परिवार वाले तो थोड़ी बात करांगे शुक्र के यह बात हुई है जो आपके हस्बैंड थे आपके हस्बैंड का क्या नाम था? राजेंद्र। राजेंद्र तो बच्चे कितने आप पे? तीन लड़के हैं। तीन लड़की लड़की बस? हाँ जी। तो किस तरह की बात हुई कुछ पता चला? हरिद्वार गया था जी। अच्छा होया जी। तो किस तरह की बात हुई थी एक बार बताइए। गाड़ी वाले साइड में तो गाड़ी वाले की गलती है? हाँ जी गाड़ी वाले ने क्या शराब पी रखी थी? हाँ जी बिल्कुल। तीन लड़की लड़की आप पे? हाँ जी तीन लड़के तो छोटी लड़की है जी। एक साल की है जी छोटी साल की लड़की है। अच्छा। एक पांचवी साल में लग रही है जी एक आठवीं साल में लग रही है। आपकी फोन पर बात फोन पर बात हुई थी आपकी? मेरी उदन पहुंचा था उदन हुई थी जी बात। अच्छा क्या कुछ क्या कुछ बात हुई? ठीक ठाक बोल रहे थे जी मतलब ठीक ठाक। हाँ जी। और घर से क्या कुछ कह गई थी? हरिद्वार जावा जी। हर बार जाया कर दे के पहले बार गए जी। आई साल 22 10 साल मेरी शादी नो है जी मैं उदन के जान लग रहा था उदन की आरी में जी। और काम कुम के करया कर दे? मिस्त्री थे जी। चिनाई के जी मतलब गरीब परिवार है बिल्कुल स्थिति खराब है। और तीन लड़की लड़की है देखो कल्ला था जी बाप गुजर रहा जी। अच्छा तो राजेंद्र के पिताजी भी गुजरे? हाँ जी। कितने साल हो गए पिताजी ने गुजरे? जो तीसरी साल लग रही है तीसरी साल। देखो पिताजी ने गुजरे हो गए और माँ बाप का अकेला ही था? अकेला ही था जी। देखो माँ बाप का अकेला ही था और तीन तो बात बुत आपकी तो आपने किस टाइम पता लग गया उसका एक्सीडेंट होने के बाद? 3 बजे फोन आया जी। तो किसका फोन आया था आपके पास? डॉक्टर का आता जी बच्चा की माँ पर कमेटी आया था बिल्कुल। देखो बहुत ही दर्दनाक हादसा होया और देखो ये राजेंद्र की माँ जी है। बैठ जा बैठ कर बात करने का तो वैसे बनता नहीं लेकिन अब पूछा गया लेकिन किस तरह इन्हें इंसाफ मिल जावे। जोड़ से अपनी बात हुई थी खेत में बेटे मेरे द्वारा फोन भी आया के कुछ बात हुई थी कमेटी आड़ा ने बोला तेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया मौत हो गया। फिर मेडिकल में लेके गए थे मेडिकल लेके थे बेटी फोन नंबर भी बताया मेरे बेटे ने फिर मरिया में बनोइया का भी बताया गया साड़िया का भी बताया गया बेटी मेरा भी बताया गया फिर तो डॉक्टर ने कमेटी आया ने फोन करया मेरा दौरा भी मुर्की पैर रहा है आपका लड़का एक्सीडेंट घना तकड़ा हो रहा जल्दी से जल्दी आ जा ये बात हुई थी। फिर बेटी फोन इन ले लिए फिर उनका गला इन बात करी है ये बात मैंने कमेटी आया ना करी वे
आप दिहाड़ी मजदूरी करो जीरी दिहाड़ी मजदूरी है बेटी मारी तो किसका मेरा तो एक लड़का लड़की थी ना मेरी बहनो ने के दे बड़ो दू तीन छोरी छोरी तीन लड़की लड़की तो देखो ताई तो दोबारा लेकिन जिसने एक्सीडेंट करा उसने सजा तो मिलनी चाहिए सजा नहीं बेटी मन ली चलो उसकी गेटी पे बुड़का भर लूंगी मेरा बेटा इतनी छाती आला मैं भाभी लागू जी पड़ोस में तो आपके बात हुई राजेंद्र गल नहीं हुई जी कमेटी वाले गल हुई थी के कुछ बोले कमेटी वाले नु बोले भाई आपका कावड़ लेने जा रहे है कोई मां जी जा रहे हैं तो वह नु बोले भाई कान में मुर्की पैर रखी है मखान जी मारा घर तक जा रहा है कान में मुर्की उसने पैर रखे है बहन जी जो आपका घर में बंदा नहीं आदमी उसने भेज दो जल्दी भाई इसका एक्सीडेंट हो रहा है और बड़ी मुश्किल तक बोला इसने नंबर बताया आपका माँ का ही बताया है और जीजा का बताया उनका जीजा मेरा उड़ा डैंड है अब तो जल्दी आ जाएगा मेरा जीजा न बुला लियो जीजा का नंबर बताया फिर अपना साला का नंबर बताया मामने नू भी कहा जी कमेटिया ने जी भाई व्हाट्सअप कर दो उसकी फोटो जो बंदा का एक्सीडेंट होया उनकी फोटो व्हाट्सअप नहीं करी भाई ये लेडीज ने मतलब एक्सीडेंट करया है या फिर नहीं जो राजेंद्र की फोटो मंगवावा थे मम भाई मारे राजेंद्र का एक्सीडेंट होया किसी और का होया तो उसने बताया इशारा दिया भी कान में मुर्की पैर के छोड़ने की तो यो बंदा फिर मम समझ गए भी मारे लड़का है राजेंद्र का दो बहन है जी तीन लड़की है कल्ले बाप का लड़का है जी अकेला है बिल्कुल इकलौता था जी सारा इतना शरीफ लड़का था जी पूरा गांव उसकी दुआ नु मांग रहा था भाई राजेंद्र का कुछ नहीं होना चाहिए मम लाडा मस्ती लाभू का ही कर दे राजेंद्र ने भाई लाभू का कुछ नहीं होना चाहिए मालिक उसने भई टांग बांह टूट जाओ तो हमारा बच्चा घर ठीक ठाक बैठा रहेगा अपने बच्चों द्वारा बैठा रहेगा पूरा गांव नाथ जोड़े जी किसी की नहीं अरदास सुनी मालिक ने देखो जी सारा कुछ नहीं सारा रहा जी घर में कुछ भी नहीं सारा रहा कोई भी नहीं कमाने वाला कोई भी नहीं जी बुढ़िया है या क्या कर लेगी जी पोती है आप क्या कहना चाहोगे मतलब वो तो राजेंद्र तो गया लेकिन उसने सजा मिलनी चाहिए और इन जो तीन बेटी है इनने भी मतलब इनका भी कोई सारा मिलना चाहिए बेटी बेटी सारा मेरी बन्ने ने भी मिलना चाहिए सारा बेटी मन ने भी मिलना चाहिए बेटी मैं कमान जोगी नहीं रही बिल्कुल देखो जो मैं गरीब परिवार हालत घर की हालत देखा आप अंदाजा लगाए सको हो और जो ये तीन बच्ची थी इनके सर पर तो पिता का साया उठ गया है इनने भी बच्चिया ने भी कुछ सारा मिलना चाहिए देखो वो तो गया वो तो वापिस आवे नहीं गा और उसने सजा मिलनी चाहिए जिसने एक्सीडेंट कराया है मैं तो डॉक्टर ननु गया था जी राजेंद्र का रेफर कर दिया चंडीगढ़ महा जी मां मावा नु बोल पहला डॉक्टर नु बोले नु का जल्दी से जल्दी खून चढ़ावांगे मम बचाने की कोशिश करांगे हालत ज्यादा खराब थी मतलब पैसे जमा करा दियो फिर मेरे ननद डैंड में रहा उसकी पैसे जमा करा दिए पैंतालीस हजार जमा करा कुछ भी मारा फिर भी नहीं कुछ पल्ला पड़ा जी ठीक हो जाएगा पैसों का कुछ नहीं जी मम पड़ोसी है पड़ोसी भी मम जमा ने जो गांव में जोड़ी करके मांगना पड़ो राजेंद्र सही होना चाहिए ठीक होना चाहिए बिल्कुल देखो पैसा तो हाथ का मैल हुआ है सुनना मां लेकिन वही बात आदमी की जान गई है मेरा जमा ने तो मिनट भी नहीं लाई बैग भर कर ले गया मेरा साला न बचाऊंगा पकार नहीं सुनी पकार नहीं सुनी मेरी बेटी पापा मंगे बात करी और घर की हालत देख कभी आप अंदाजा लगा सको हो तीन लड़की है राजेंद्र के उनके सिर पर बाप का साया उठ गया है परिवार ने मदद की बहुत जरूरत है और स्क्रीन पर नंबर दिया जाओगा आप तय इनका तो आप मदद करना चाहो तो आप कर सको हो मदद।